अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया कि कौन आदमी स्थानीय है, कौन है स्थाई यहाँ का। आप किसको नौकरी देना चाहते हैं? सड़क पर आंदोलन एक बार तो हुआ, उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसा आप स्टूडेंट चाहेगा वैसा होगा। इसलिए तो हम तो पहले बोले थे कि आप झारखंड भगवान भरोसे है, कोई उपाय नहीं है। एक्ट को ये लोग लागू नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, कड़ी थी के साथ क्यों नहीं लागू हो रहा है एक्ट? SPT एक्ट है, इधर CNT एक्ट है, और जमीन लुटा रहा बंदर बाट नहीं समझिए ना। अरे आप पर्स हॉस्पिटल का क्या हुआ बताइए, क्या भुवहरी जमीन है, इसको पता नहीं है शासन प्रशासन को? हम लोगों ने कमर कस लिया है लड़ाई लड़ने के लिए, अपने ही सरकार में क्यों ना हो। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा और अधिकार लेना पड़ेगा। नमस्कार, न्यूज विंग में स्वागत है आपका, मैं हूँ रफी समी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेमब्रम अपनी मुखर आवाज से, मुखर मांग से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से झारखंड बचाओ मोर्चा के मुख्य संयोजक के रूप में उन्होंने कई बातों को सामने रखा है और सरकार के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद किया है। दादा, जिस तरह से लगातार कई तरह की त्रुटियां आ रही है झारखंड में और आप आवाज़ बुलंद करते चले आ रहे हैं, इस बार क्या कहना है और झारखंड के आदिवासियों के हित को लेकर के क्या आपका कदम रहेगा? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। राज्य अलग हुआ 22 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। अब स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के लोग टुक टुक देख रहे हैं, निगाह भरी एकदम देख रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आप देखिए इधर कितना दिन हुआ है, महामहिम राज्यपाल के यहाँ से इसको वापस कर दिया गया, कोर्ट से खारिज हो गया स्थानीय नीति, नियोजन नीति। तो आज यहाँ के युवा को कहाँ भटकेंगे? समय मिला था कि आज कम से कम इन लोगों को भी नियोजन मिले, नौकरी मिले थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड में, लेकिन अभी आप देखिए क्या हश्र हुआ। तो इसीलिए हम लोग अभी इसका जिम्मेवार जो यहाँ का जो महाअधिवक्ता है राजीव रंजन जी, अरे ये जिम्मेवार है, क्यों ऐसा हुआ? ये कोर्ट में आप क्या किए, महामहिम के पास आप क्या समझा, क्या क्या उनसे परामर्श लिए, क्या बताए? सबसे पहले हम सरकार से मांग करते हैं झारखंड बचा मोर्चा की तरफ से कि जो अभी महाअधिवक्ता है राजीव रंजन जी, इसको हटाए, अविलंब हटाए, और एक बढ़िया आदमी को, ईमानदार व्यक्ति को बैठाइए जो कोर्ट में भी सरकार के पक्ष को बढ़िया से मजबूती के साथ रखे, ऑथेंटिक रूप में रख सके और महामहिम राज्यपाल को भी बताने का अच्छा से काम कर सके। लेकिन त्रुटियां सरकार के तरफ से भी रही ना स्थानीय नीति को लेकर के? अरे भाई, वो तो विधि विभाग पहले ही बता चुका था, लेकिन फिर भी भेज दिया लोग। महाधिवक्ता क्या कर रहा है, बोल रहे क्या कर रहा है, महाधिवक्ता क्यों नहीं देखा इसको? तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं झारखंड बचा मोर्चा से, इसको अविलंब हटाया जाए, एक बढ़िया व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को बैठाया जाए। दादा, वाकई में ये भी अच्छा डिमांड है। अगर हम कहें कि झारखंड में आदिवासी, झारखंड के मूलवासी युवा की हालात अभी क्या है, तो क्या लग रहा है उनकी हालात पे फुलफिल उतरा गया है? सड़क पर आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है। सड़क पर आंदोलन एक बार तो हुआ, उसमें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसा आप स्टूडेंट चाहेगा वैसा होगा। तो क्यों नहीं पहले इन्हीं लोगों से पूछ लिया होता, तो ऐसा नौबत तो सड़क पर उतरने का नहीं आता ना। आप बोलते आप जैसा चाहोगे, लेकिन आप तो क्या हंस रहे हैं, आप देख रहे हैं अब क्या होगा। इसलिए तो हम तो पहले बोले थे कि आप झारखंड भगवान भरोसे है, कोई उपाय नहीं है। आज जो पढ़े लिखे नौजवान है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आज इसके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी तक डिफाइन नहीं हो पाया कि कौन आदमी स्थानीय है, कौन है स्थाई यहाँ का। आप किसको नौकरी देना चाहते हैं? लड़ाई तो इस बात की है, खतियान तो है। हम लोग तो बार बार मोर्चा झारखंड बचा मोर्चा की तरफ से बोलते हैं, भाई जिसके हाथ में खतियान है, चाहे कोई भी हो, आदिवासी गैर आदिवासी, यहाँ मुस्लिम है, यहाँ बंगाली भाई हैं, खेतौरी भाई हैं, यहाँ झाजी हैं, यहाँ मिसर जी हैं, सारे लोग हैं यहाँ, सबके हाथ में खतियान है। तो जिसके हाथ में खतियान है बस वही आएगा, सीधी सी बात, करे तो कुछ तब ना। अब कब होगा, 3 साल 4 साल बीत गया है, आप
लोग से काफी उम्मीद थी। उम्मीद कम है, हमको क्या, हमको भी पूरा उम्मीद था, सारे झारखंड के नौजवानों का उम्मीद था कि हम लोगों को आने वाले समय में हम लोगों का समय सुनहरा होगा। इन्होंने भी कहा था चुनावी दरमियान में, मैनिफेस्टो भी लिखा हुआ है, ऐसे उड़िया हम थोड़े बोलते हैं, कहाँ कुछ हुआ है। इसीलिए हम लोग झारखंड बचाना है, क्योंकि झारखंड में जमीन नहीं बचेगा तो यहाँ आदिवासी मूलवासी नहीं बचेंगे। ये जमीन बचाने के लिए फिर हम लोग 18 मार्च को हम लोगों ने जितने लोगों को जमीन इलीगल तरीके से ट्रांसफ़र हुआ है, जब एक्ट है, एक्ट को ये लोग लागू नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, कड़ी तरीके साथ क्यों नहीं लागू हो रहा है एक्ट, SPT एक्ट है इधर, CNT एक्ट है, और जमीन लुटा रहा है, क्या कर रहा है ये लोग, इस तरह से नहीं चलने वाला है। और हम लोग कमर कस लिए हैं, अब मैदान पर हम लोग उतरेंगे सर, जमीन पर उतरेंगे। बंदरबाट हो रहा है पूरा, बंदरबाट ही समझिए ना। अरे आप पर्स हॉस्पिटल का क्या हुआ बताइए, क्या भुवहरी जमीन है, इसको पता नहीं है शासन प्रशासन को, सरना जमीन को पता नहीं है शासन प्रशासन को, SPT एक्ट की जमीन दिनों दिन रातें रात ट्रांसफर हो रहा है, सादा कागज में ट्रांसफर हो रहा है। ये जो DC था छवि रंजन, क्या करके बर्बाद करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री चुप, किस लिए बना। आज राज्य के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, राज्य के लोगों का जमीन नहीं बचेगा, यहाँ के लोगों का भाषा नहीं बचेगा, यहाँ के लोगों का संस्कृति नहीं बचेगा, इसीलिए राजा लगवा क्या। थैंक यू दादा। तो ये मान लिया जाए अंतिम प्रश्न दादा, कि अब लोबिंदा आदिवासी मूलवासी के आवाज़ को लेकर के एक अलग और बड़ा आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। तैयारी तो कर दिया हमने, बिगुल फूंक दिया आंदोलन का, हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े थे और उसके बदौलत एक्ट भी बना, और आज हम लोग उसी के वंशज हैं। हम लोगों ने कमर कस लिया है लड़ाई लड़ने के लिए, अपने ही सरकार में क्यों ना हो, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा और अधिकार लेना पड़ेगा। हमारे एक माननीय गुरुजी शिबू सरन शुरू में बोले थे, उठो जागो लड़ो, उसी राह पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक, थैंक यू। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ JMM के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेमरम जी, जिन्होंने साफ कहा है कि अब आंदोलन शुरू होगा, आंदोलन शुरू हो चुका है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी यो के लिए हर संभव जिस तरह की भी आवाज़ उठानी पड़ेगी वो आवाज़ उठाई जाएगी। सहयोगी नूतन के साथ रफी समी, न्यूज़ विंग, रांची। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन, RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,